जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली के अंतर्गत ग्राम माधापुर में गांव के बड़े देवताओं पर सभी ग्रामवासियों ने प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि लगभग 500 साल पहले ये यहां पर पूजा हो रही है और गांव वालों का कहना है कि जो सच्चे मन से मनोकामना मांगते हैं उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। और वही गाँव के कुछ लोग पूजा में शामिल हुए, विजेंद्र शर्मा, पंकज शर्मा, राजकुमार शर्मा, ब्रजेश शर्मा, लखपत शर्मा, सतीश शर्मा, नानक चंद शर्मा, विशेष शर्मा, मुकेश गोस्वामी, नरेंद्र शर्मा, महेश शर्मा आदि। देखिए हापुड़ से अभिषेक कश्यप की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र। कहाँ के निवासी हो? माधापुर के निवासी। सर आज जो गांव में प्रोग्राम रखा गया है, क्या प्रोग्राम है, क्या इसका उद्देश्य है? आज जो ये प्रोग्राम है शुक्ल पक्ष की नवमी को भदौरे महीने में, यहाँ पर सभी गाँव के श्रद्धालु लोग आते हैं और पुजारी लोग यहाँ पर जो है नाथ जी हैं हमारे, ये सोहले करते हैं, झार बाबा के सोहले होते हैं पहले, उसके बाद में खाना पीना खाने के बाद में रात को यहाँ पर थाली बजती है। और जिन लोगों को किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक या भूत प्रेत संबंधी इस तरह की कोई समस्या है तो वे भी यहाँ पर उनका निवारण किया जाता है। और यहाँ की बहुत ऐसी है कि आप यहाँ से 10 जिले बाहर भी ले जाओगे तो बहुत भी उतना ही काम करती है जितना कि यहाँ आने पर होता है, ऐसा हम लोगों का अजमाई हुई चीज़ है। और यहाँ पर ये हमारे ब्राह्मणों के पितृदेव थे, उनको घोड़ी वाले कहते हैं, कोई छोटा वाले, और भी अब तो यहाँ पर अनेक स्थान हैं उनके, और लोग श्रद्धा से जो है इनको मानते हैं, जल चढ़ाते हैं, हर अमावस्या पूर्णिमा को भी लोग आते हैं। और इसके अलावा हर इतवार को यहाँ पर गांव के नर नारी जो भी इसकी समस्या होते नहा के उनको स्नान कराते हैं और अपना माथा टेकते हैं। और ये परंपरा हमारे यहाँ लगभग 200-250 वर्ष से चल रही। पहले तो ऐसा था लोग जंजीरों में बंद करके आते थे, लोग बताते हैं कुबेर, और उनको खोल दिया जाता था, वो भागते थे तो तुरंत ही आ जाते थे। सर आज जो गांव माधापुर में प्रोग्राम रखा गया है, क्या प्रोग्राम है, क्या पूरा इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये हमारे गांव में ये 200 साल से ये परंपरा रही है कि हमारे जो बाबा जी हैं घोड़ी वालों के नाम से इनको जानते हैं सभी लोग, तो प्रतिवर्ष यहाँ पर भादो के महीने में नवमी के दिन बहुत सारे श्रद्धालु भक्त इनके यहाँ पर आते हैं। और वैसे इनकी मान्यता भी रही है, पहले से ही काफ़ी कुछ चमत्कार देखे गए हैं इनके बीते दिनों में, और आज भी लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इनका जो है ये एक पर्व के रूप में आज हम इस नवमी को मनाते हैं। सर जैसा कि हमें लोगों से जानकारी मिली है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और मान्यता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कि लोगों का विश्वास है, आस्था है यहाँ पर, और जो वे अपने मन में कुछ श्रद्धा लेकर आपको जो प्रसन्न लेकर आते हैं उनकी सारी समस्या यहाँ पर जो है स्वतः हल हो जाती है, बाबा जी उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। सर ये जो पूजा हो रही है कब से हो रही है, लगभग कितने समय से हो रही है? 250 वर्ष। ये लगभग 250 वर्ष हो गए हैं, संभवतः इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है इसमें कि इतना साल समय इसमें जो है हो गया है। क्योंकि हम भी जो है हमारे बुजुर्ग जो बताते थे वे भी कहते थे कि उनके बचपन से ही पहले से ये परंपरा मनाई जा रही है यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? सतीश शर्मा। सर आज गांव माधापुर में जो प्रोग्राम रखा गया है, क्या प्रोग्राम है, क्या इसका उद्देश्य है? ये हमारे बहुत पुराने पितृदेव हैं, हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं बहुत करीबन 200-250 साल पहले से यही पूजा पाठ यहाँ पर होती है और इनकी बड़ी मान्यता है। एक घोड़ी वाले बाबा हैं, एक सोटा वाले हैं, दोनों बाबा इनका बहुत ही ज़्यादा इतना मान्यता है कि लोग दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धा भाव लेके आते हैं, जो भी मनोकामना लेके आते हैं उनकी पूरी होती है। सर ये जो पूजा हो रही है लगभग कितने समय से हो रही है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? जो भी गांव के बाहर भी रहते हैं, जो भी गांव से बाहर नौकरी पैसे पे दिल्ली दूर जहाँ भी दूर दराज में है, आज के दिन यहाँ जरूर दर्शन करने और प्रसाद चढ़ाने के लिए सभी लोग अपनी बड़ी श्रद्धा से दूर दूर से आते हैं। सर यहाँ जो प्रसाद चढ़ता है कौन से दिन प्रसाद चढ़ता है? ये भादो के महीने में ये नवमी के दिन ये प्रसाद चढ़ता है, बाकी पूर्णमासी और अमावस्या को लोग गंगा नहा के आते हैं, तब भी आने के बाद यहाँ प्रसाद चढ़ा के तब घर जाते हैं। और संडे में भी यहाँ लोगों की बड़ी श्रद्धा है, औरतें और आदमी सब आके यहाँ नर नारी सब इनको नहाते हैं, जल अभिषेक करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। धन्यवाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चमन्नाथ। सर आज गांव माधापुर में जो प्रोग्राम रखा गया है,
बड़े देवताओं पे क्या प्रोग्राम है, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यह है कि ये बाबा का चमत्कार है और काफ़ी टाइम से 200-250 वर्ष पहले पूर्वजों के समय से यहाँ जो है थाली बजती हुई आ रही है और जो भी हस्त जो भी श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के उनकी सभी आस्थाएँ यहाँ पूरी होती हैं। सर यहाँ जो लगभग प्रोग्राम हो रहा है, प्रसाद चढ़ रहा है, कब से चढ़ रहा है, कितने समय हो चुका है? लगभग 250 वर्ष हो चुके हैं। ये जो भादों की नौमी है, ये जहार बाबा की नौमी है शुक्ल पक्ष की, और इसमें जो बहुत बहुत दूर से संताल दिल्ली से बरेली से बहुत बहुत दूर से मतलब जहाँ पे भी रहते हैं जिन्हें पता पड़ता है वो आकर के यहाँ बाबा के यहाँ शीश नवाते हैं और अपनी जो आस्था रखते हैं और आने वाले समय में साल में 6 महीने में उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है और उसके बाद में वे आया के यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं और जो है यहाँ बाबा की जय। सर जैसा कि हमने लोगों से जानकारी करी है कि जो अपनी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है, क्या ये बात सत्य है? ये बात सत्य है, अटल सत्य है। यहाँ बाबा गोरखनाथ का, बाबा जहारवीर का भी जो है पूरा अखाड़ा बजता है और ये देवता जो है उन्हीं को प्रसन्न करके जो है बताते हैं सबको, सबकी मनोकामना पूरी होती है।